रिकरेंट आईवीएफ फेलियर क्या होता है और इसके क्या समाधान हैं, इन रीजंस की वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं लग पाती। देन इम्यूनोमॉड्यूलेशन का मतलब है, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवी सक्सेना, सेंट्रल हेड एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट एट इंद्रा आईवीएफ बरेली। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी रिकरेंट आईवीएफ फेलियर के बारे में। रिकरेंट आईवीएफ फेलियर क्या होता है और इसके क्या समाधान है। रिकरेंट आईवीएफ फेलियर का मतलब है जिन महिलाओं या कपल्स में दो या दो से अधिक बार प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, प्रेगनेंसी नहीं रुकी है, उसको हम रिकरेंट आईवीएफ फेलियर बोलते हैं। इसके रीजंस क्या क्या हैं? रीजंस एम्ब्रियो में हो सकते हैं, रीजंस यूट्रस रिलेटेड हो सकते हैं और रीजंस पेशेंट के इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हो सकते हैं। एम्ब्रियो में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं एम्ब्रियो रिलेटेड रीजंस। देखिए, जब किसी भी हस्बैंड वाइफ मेल फीमेल के गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो उससे जो एम्ब्रियो बनता है उसमें एक नया डीएनए क्रिएट होता है। उस डीएनए के बनते टाइम उसमें एक जेनेटिक डिफेक्ट आने का रिस्क हमेशा रहता है। तो अगर उसमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट आता है आइदर ड्यू टू मदर और फादर, तो वो एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन फेलियर कर सकता है। ऐसे केसेस को डिटेक्ट करने के लिए हम मदर फादर की पहले से ही पेरेंट्स मेल हम कैरियोटाइपिंग ब्लड टेस्ट कराते हैं। और दूसरा एक होता है टेस्ट पीजीटीए, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्टडी या एनआईसीएस। इसमें हम एम्ब्रियो को डालने से पहले उसका जो सराउंडिंग खोल होता है या स्ट्रॉन्ग एक लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट लेयर, उसकी जांच हम भेजते हैं, जिससे हम एम्ब्रियो को डालने से पहले ही उसमें अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट आता है तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट रीजंस जो है वो यूट्रस रिलेटेड कॉजेज हैं। यूट्रस में थिन एंडोमेट्रियम होना या फिर क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस, किसी तरह का इन्फेक्शन होना यूट्रस में। तीसरा ट्यूबल रिलेटेड इश्यूज, जैसे कि ट्यूब में सूजन होना, पानी भरा हुआ होना, इन रीजंस की वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं लग पाती है। तो इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो है हिस्टोकैविटी एनहांसमेंट, मतलब बच्चेदानी को हम अंदर से इम्प्रूव करते हैं जिसमें उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है, थिन लेयर का ट्रीटमेंट है। देन पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंस्टॉलेशन, इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। देन ट्यूबल रिलेटेड इश्यूज में हम ट्यूब्स की क्लिपिंग कर सकते हैं, जिससे ट्यूब्स को जो उसका गंदा पानी है वो वापस बच्चेदानी में ना आए और प्रेगनेंसी लॉस ना। देन जो एंटीबायोटिक थेरेपीज होती हैं जांच के बाद क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस के केसेस में दी जाती हैं। देन लास्ट जो रीजंस हैं दैट आर इम्यून रिलेटेड, मतलब पेशेंट की आपने सुना होगा कई बार कि किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ एंड उसको बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया, सेम ह्यूमन एम्ब्रियोज के साथ होता है। कई बार कुछ फीमेल्स में एम्ब्रियो बार बार रिजेक्ट होता है, तो ऐसे केसेस में लिम्फोसाइट इम्यूनोथेरेपी या फिर कुछ इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स आते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। लिम्फोसाइट इम्यूनोथेरेपी में हस्बैंड के ब्लड सैंपल से लिम्फोसाइट्स को सेपरेट किया जाता है और उनको निकाल करके हम वाइफ की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं ताकि वो उसको पहले से ही रिकॉग्नाइज कर ले, पहचान ले और एम्ब्रियो को रिजेक्ट ना करे। देन इम्यूनोमॉड्यूलेशन का मतलब है कुछ ऐसी ड्रग्स और दवाइयाँ दी जाती हैं जिसमें वाइफ का इम्यून सप्रेशन होता है और वो एम्ब्रियो को रिजेक्ट नहीं करता है। सो प्लीज़, जिनको भी रिकरेंट आईवीएफ फेलियर का प्रॉब्लम है वो लोग प्लीज़ निराश ना हो और इंदिरा आईवीएफ के साथ ये सब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। आप मुझे विजिट कर सकते हैं स्टेशन रोड एडीएम कंपाउंड के सामने बरेली में। थैंक यू सो मच। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर वेबसाइट www.indiraivf.com और कॉल 1-800-309-4410। कीप फॉलोइंग अस एंड लीव योर फर्टिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस इन द कमेंट्स बिलो एंड गेट आंसर्स फ्रॉम इंदिरा आईवीएफ डॉक्टर्स।